वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में कॉलरोच लॉ से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट डेल एम नॉट फॉर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 फ्रॉम द डाटा गिवन टेबल 119 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल बेस टू माइनस वन एंड 76.3 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल बेस टू माइनस वन। इसमें दिया हुआ हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम सल्फेट की। जहाँ पर डाटा दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड का दिया हुआ है कितना 119 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर बेस टू माइनस वन और मैग्नीशियम सल्फेट का दिया हुआ है 76.3 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन। सो वी नो दैट कॉलरोच लॉ जो कि लगाएंगे हम तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए लगाते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाता है डेल एम 0 CaCl2 तो लेमडा 0 Ca2 प्लस आयन कैल्शियम का 2 प्लस आयन प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट क्लोराइड माइनस आयन। तो कैल्शियम का जो है कैल्शियम का कितना है कैल्शियम का 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन है प्लस 2 इंटू यहाँ क्लोराइड का 76.3 होता है। अगर हम टेबल से देखें तो क्लोराइड का 76.3 होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन। क्लोराइड का कैल्शियम का ये होता है 119 और क्लोराइड का होता है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमको इसमें दिया हुआ है। और इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 119.0 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 152.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन। ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन। मतलब इसमें अगर हम मोलर कंडक्टिविटी या कैल्शियम क्लोराइड का निकालते हैं तो डेल एम नॉट CaCl2 इक्वल टू हो जाएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन। अब यहीं पर हम निकालते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, क्योंकि हमको कैल्शियम क्लोराइड का दिया हुआ था क्वेश्चन में। मैग्नीशियम सल्फेट का हमको टेबल से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो डेल एम नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी MgSO4 है, इसमें कि मैग्नीशियम का प्लस आयन रहेगा और सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा इसमें क्या माइनस आयन, ये माइनस आयन रहेगा। तो इसमें आ जाएगा लेमडा नॉट Mg2 प्लस और प्लस लेमडा नॉट SO4 माइनस आयन। क्योंकि जो मैग्नीशियम का होता है वो प्लस आयन होता है, वो कितना है 106.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन। प्लस जो सल्फर डाइऑक्साइड का है उसका कितना है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल बेस टू माइनस वन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन हो जाएगा। सो इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट की है वो आ जाएगी 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल बेस टू माइनस वन के।